एबी9 टीवी में आपका स्वागत है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की यह रिपोर्ट। कोटा में कुन्हाड़ी पुलिस में गुरुवार का एक मामला सामने आया है। इसमें एक पति ने पत्नी का सगा भाई बनकर अन्य व्यक्ति से शादी करवा दी, बदले में 1,80,000 रुपए ले लिए। शादी के बाद जब इसकी जानकारी फरियादी का लगी तो उसने कुन्हाड़ी थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज जाँच शुरू कर दी है। फरियादी रवि नागर ने बताया कि वह ऑटो चलाता है। 15 दिन पहले देवराज सुमन सतपुरा में मिला, जिसने इंदौर में शादी करवाने की बात कही। कुछ दिन बाद रिश्ता लाया था, उस लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद 20 जून का इंदौर की एक महिला कामल का मिलाया। लड़की अनमेरिड बताई रवि की 21 जून का काटा में कार्ट मैरिज करवा दी। इसमें गवाह कामल का पति सानू भाई बन गया। घर पहुँच कर फेरे भी लिए। 22 का कामल ने घूमने के लिए कहा था, रवि ने मना कर दिया। 23 का रवि पत्नी कामल का अपनी बीवी के घर कुन्हाड़ी लेकर गया। यहां पर रवि की बहन का अपनी शादी होने और 2 बच्चे होने की जानकारी दी। 3 माह से गर्भवती होने की बात कही। इस पर रवि और उसकी बहन घबरा गए और उसका तुरंत कुन्हाड़ी थाने में ले जाकर इसकी जानकारी दी। गंगासहाय शर्मा CI कुन्हाड़ी काटा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस दोबारा मुकदमा दर्ज कर लिया है। रवि की रिपोर्ट पर पुलिस ने देवराज सुमन सानू व कामल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस द्वारा देवराज व सानू की तलाश की जा रही है। हमारे संवाददाता से प्रदीप ने बात की।